हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं भूगोल के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप इस टेस्ट को पूरा एंड तक लगाइएगा और आप इस टेस्ट में 40 में से कितने सही कर पाएंगे प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा टेस्ट को लगाने के बाद में। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, हर एक क्वेश्चन के बीच में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, तो जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर आता होगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ बताते रहिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जहां पे आपको बस टॉपिक स्टडी सर्च करना है और ज्वाइन हो जाना है, PDF वहां पे मिल जाएगी। आप टॉपिक स्टडी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं लगातार आपको इसी तरीके के ऑनलाइन टेस्ट मिलते रहें, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, डेली आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को, और प्लीज़ एक लाइक तो जरूर करिएगा और शेयर भी कोशिश करिएगा कि अपने दोस्तों को और अपने ग्रुप में शेयर भी करिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो यहां पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रह। क्वेश्चन टू, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? टू का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, केपलर। क्वेश्चन नंबर थ्री, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो राइट आंसर बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों की सही क्रम है? तो दोस्तों यहां पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अगर आप डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर फाइव पे आ जाते हैं, सबसे चमकीला ग्रह है? पांचवे का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है? तो राइट आंसर बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्नलिखित में सबसे गर्म ग्रह है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, 6000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर नाइन, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, हीलियम एवं हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं? बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन डी यहाँ पे लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें का राइट आंसर क्या रहेगा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी का उपग्रह है? तो बिल्कुल सही है, ये सभी को पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, चंद्रमा। नेक्स्ट आपका, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है? तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो राइट आंसर बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है?
तो बिल्कुल सही है। अगर आप ऑप्शन 17 का ए लगा रहे हैं, 149 मिलियन किलोमीटर, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? तो बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण है? और दोस्तों अगर आपको टेस्ट पसंद आ रहा है, क्योंकि आधा टेस्ट हो चुका है और आधा ही और बचा है, तो प्लीज़ एक लाइक तो जरूर करिएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का बताइए, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है? तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी अपसौर होती है? तो बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी अपसौर होती है? तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं, 23 का राइट आंसर बताइएगा, निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? बिल्कुल सही है अगर आप यहाँ पे ऑप्शन डी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रमा ग्रहण का कारण है? बिल्कुल सही है, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य ग्रहण का कारण है? तो बिल्कुल सही है, 25वें का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पुराना और रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग? तो बिल्कुल सही है यहाँ पे ऑप्शन सी, 12,800 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 28, प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? बिल्कुल सही है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? तो कितना समय अंतराल होता है आपका? 29 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या रहेगा, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो बिल्कुल सही है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 का बताइएगा, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही है यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो राइट आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो बिल्कुल सही है, 34 का राइट आंसर यहाँ पे
ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कैनात्री चट्टान हैं? तो 35 का यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल सही है आपका, अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह कहलाता है? बिल्कुल सही है, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? बिल्कुल सही, यहाँ पे ऑप्शन अगर आप सी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टेस्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं लगातार मैं डेली बिना किसी एक भी दिन के स्किप किए आपके लिए डेली टेस्ट लेके आऊँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी कमेंट छोड़िए, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपने यहाँ पे 40 में से 30 और या 25 भी अटैम्प्ट किए हैं तो बहुत अच्छा है, अगर इससे कम किए हैं तो आप टेस्ट डेली लगाना स्टार्ट कर दीजिए, आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके आंसर मैंने यहाँ पे इसमें दे दिए हैं, देखिए सारे आंसर हैं। और इसकी PDF मैं अभी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? टेलीग्राम देखिए ऐसा होता है, यहाँ पर बहुत सारी PDF मैं डेली अपलोड करता हूँ, तो उनको आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है भाई? और अगर आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी आपका प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे डायरेक्ट फीडबैक भी दे सकते हैं। आप सर्च करिएगा फेसबुक या इंस्टाग्राम पे सौरभ मलिक, SURABHMALIK, ठीक है? तो सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो करके मुझे डायरेक्ट मैसेज करेंगे तो मैं वहाँ पे भी आपका पूरा पूरा रिप्लाई देता हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो सौरभ मलिक लिखने के बाद में 70K भी लिख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल के एक अच्छे से टेस्ट में, अच्छे से क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।